नमस्कार फ्रेंड्स, इंडियन फूड एंड टूरिज्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बलराम जेना। दोस्तों, आज हम संबलपुर के खिंडा गांव घूमने जा रहे हैं। हम जाएंगे वीर सुरेंद्र साय के गांव घूमने। क्या आप जानना चाहते हैं वीर सुरेंद्र साय कौन है? वीर सुरेंद्र साय जो कि राजा नहीं थे, लेकिन राजा से भी बढ़कर उनकी गौरव गाथाएँ थी। वीर सुरेंद्र साय जो कि सिर्फ फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, जिनके नाम से पूरी अंग्रेज की कौम कांपती थी, जिनकी तलवार की धार अंग्रेजों को सोने नहीं देती थी और जिनको परास्त करने के लिए अंग्रेजों को एक षड्यंत्र रचना पड़ा था। तो चलिए, इस गौरव कथा की साक्षी बनते हैं और घूमने चलते हैं वीर सुरेंद्र साय के गांव को। आज आप देखिए, यहाँ पर एक नदी भी आया हुआ है। तो एक नदी, गांव के एक तरफ नदी, एक तरफ पहाड़ और बीच में ये गांव। छोटा सा गांव है, बहुत सुंदर गांव है। ये हम पहुंच चुके हैं वीर सुरेंद्र साय जी के गांव। तो ये खिंडा गांव है, अभी हम घूम रहे हैं खिंडा गांव में। ये जो ओल्ड खिंडा है ये, अरे वाह, तो आप देखिए कितना सुंदर मंदिर है। तो दोस्तों, अभी हम वीर सुरेंद्र साय जी के गांव पहुंच चुके हैं। ये सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर है। और वहां पे हमें जाना है, वो रहा वीर सुरेंद्र साय जी के घर। और यहां से होकर के हम जाएंगे अंदर, उनका घर है, उनके जो वंशज हैं वो अभी यहां पे रहते हैं। तो उनसे थोड़ा मिलेंगे, बात करेंगे और वीर सुरेंद्र साय जी के बारे में कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, अभी हम जो वीर सुरेंद्र साय हैं उनके घर के पास ही हैं। आप देखिए, ये वाला एक्चुअली उनका तो मिट्टी का घर था, तो वो टूट चुका है। तो इसको, उसको एक स्मारकी के रूप में यहाँ पर इसको ऐसे एक ठो घर बना दिया गया है और अंदर उसको सेव करके रखा गया है। लेकिन घर अभी नहीं है क्योंकि वो टूट चुका है। बाकी हम आपको दिखाएंगे, ये वीर सुरेंद्र साय जी का जन्म स्थान है। यहाँ पर वीर सुरेंद्र साय जन्म ग्रहण किए थे। तो चलिए थोड़ा देखते हैं अंदर कैसा क्या है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें टूट चुके हैं अभी, लेकिन एक समय था जबकि ये घर हुआ करता था और यहाँ पर वीर सुरेंद्र साय रहते थे। तो ये उनका घर है, एक स्मारकी के तौर पर। चारों ओर ऐसे अभी ईंट का एक घर बना दिया गया है ऊपर सेट करके, लेकिन जो ओरिजिनल जो घर था वो ये वाला है। ये वाला जो घर आपको दिख रहा है, ये
ओरिजिनल घर था। ये जो मिट्टी है ये देखिए, ये दीवार अभी भी यहाँ पर सुरक्षित करके गवर्नमेंट की ओर से रखा गया है। जो वीर सुरेंद्र साई जी थे उनके ये वंशज है, तो चलिए उनसे कुछ जानते हैं वीर सुरेंद्र साई जी के बारे में। भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाल बीरेंद्र साई है। लाल बीरेंद्र साई है। आप कितना बार पीढ़ी है मतलब वीर सुरेंद्र साई जी के? वीर सुरेंद्र साई का मैं पांचवा पीढ़ी हूँ। पांचवा पीढ़ी, अच्छा। तो ये जो घर जो है ये एक्चुअली वहाँ पर वीर सुरेंद्र साई रहते थे। यहाँ पर यहाँ वीर सुरेंद्र साई पैदा हुए थे, जो पीछे वाला घर देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बन किए थे, पैदा हुए थे। ये सब घर था, अंग्रेजों ने इसको तोड़ फोड़ दिया। जब अंग्रेजों ने कई साथ लड़ाई किए तो उनका सब जितना भी प्रॉपर्टी था सब जब्त कर लिया। अच्छा। और ये चारों तरफ जो जितना भी घर था वो लोग अपना सेना लगा के उसको तोड़ फोड़ दिए। सब सेना लगा के तोड़ फोड़ दिए। तो वहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, तो वो म्यूजियम में क्या क्या है अभी, क्या नहीं? अभी मतलब तो उसमें कुछ नहीं है। वो हमारा सीएम नवीन पटनायक जी आए थे, हाँ, तो उसको उद्घाटन किए थे, उनका हाँ, फंड से ये दिए थे। हाँ, और इस तो बार स्मारक की चीज जो जितना भी था नहीं, वो अभी कुछ नहीं है। कुछ अभी उसमें थोड़ा कुछ प्रोजेक्ट आया है, हाँ, जो पार्क फार्क वोटिंग पॉइंट बनेगा और 2-3 हॉल बनेगा। अच्छा। तो तब वो सावन जो है बुरला का यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से यहाँ आके रखेंगे ये लोग, रखेंगे। अच्छा अच्छा। और एक चीज, जो वीर सुरेंद्र साई जो थे वो जब मतलब फ्रीडम फाइटिंग होती थी उस टाइम, तो अंग्रेजों के साथ लड़ते समय वो मतलब ये हमारा बूढ़ा राजा से होकर के एक तो सुरंग था वहाँ से होकर के वो मतलब फाइट करते थे, ऐसा मतलब हम जो किताबों में जो पढ़े हैं, तो वैसा क्या उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, बूढ़ा राजा में एक तो सुरंग है, लेकिन हाँ, कहाँ निकलता है हम लोग को पता नहीं, पता कोई नहीं। भी अंदर नहीं घुसा है अभी तक। हाँ, नहीं, वो तो ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। और बारह पहाड़ में एक ठो है, वो दूसरे दूसरे जगह में रह रहे के लड़ाई कर रहे थे, एक ही जगह में रहते तो उनको अंग्रेज पकड़ लेता। अच्छा अच्छा। इसलिए इसमें यहाँ पैदा हुए थे बारह पहाड़, आपका डेवरीगढ़, ऐसा बहुत जगह है, वहाँ रह के वो लोग लड़ाई करते थे। हाँ, उनका साथ एक ठो हाँ। हम लोग जो उड़िया में मितो बोलते हैं, दोस्ती किए और उनका खास आदमी बन गया वो। और लेकिन वही उन अंग्रेजों को लोगों को छोड़े थे क्या, इन सुरेंद्र साई का जितना भी डाटा, सुरेंद्र साई का जितना भी सीक्रेट डाटा लीक करता था वो अंग्रेज के पास, तो उसको सुरेंद्र साई ने भरोसा करके सब अपना सीक्रेट जो चीज था सब बता दिए थे। हाँ। उसी के चलते वो धोखा कर दिया कुछ प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। और उनको पकड़ लिया, उनका सिगरेट को जो जान गए तो। अच्छा अच्छा। उसके बाद उनको कैद किया गया कि फिर मतलब क्या हुआ था उसके बाद? नहीं, एक बार तो उनको अंग्रेज पकड़ लिया था। हाँ। हजारीबाग जो है हमारा, हजारीबाग में रखे थे। हाँ, हाँ। और जब सिपाही विद्रोह हुआ उस टाइम वो लोग जेल पे तोड़ के आ गए। दूसरा बार जब पकड़े तो असुरगढ़ महाराष्ट्र में जो है वो जेल में उनको रखा। अच्छा। उसके बाद बोलते हैं, हम भी तो नहीं देखे हैं, लेकिन उनको फांसी दिया गया, सूली में लिया गया, लेकिन वो कुछ काम नहीं किया। अच्छा, तो अच्छा। उसको उनको रख के स्लो पॉइजन दे के ऐसे अच्छा, करके 37 तक रखा। 37 तक रखे थे। हाँ, उसके बाद उनका डेथ मतलब हुआ। भैया जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, थोड़ा वहाँ पर जो स्मारकी है वहाँ पर थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी शाम भी हो चुका है और हमें फिर रिटर्न भी 35 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये एक राधा कृष्ण मंदिर था, जो कि वीर सुरेंद्र साई जी के घर के पीछे है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि सोने का मूर्ति थी, तो उसको जिसको कि
अंग्रेजों ने चुरा के ले गए थे, तो तभी से ये मंदिर ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। तो हमारे साथ एक सर हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि कैसा क्या ये इक्विपमेंट जो है कैसा क्या यूज़ करते थे और जो इसकी जो प्रभुता है ये सब क्या है। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर के एन सेठी, मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट सर, संबलपुर यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। सर सर ये जो जितने भी हथियार हैं यहाँ पे जी, बहुत सारे हथियार हैं सर, तो ये सब फ्रीडम फाइटिंग के लिए यूज किया जाता है? यूज किया जाता है सर। ये सब जो हथियार है इसमें से प्रमुख हथियार जो सुरेंद्र साय जी के था, वीर सुरेंद्र साय जी के सर, ये है। अच्छा ये वाला। अच्छा ये खुद ये वीर सुरेंद्र साय खुद यूज करते थे? अच्छा। और उनके जितने सहयोगी बाकी जो ये सब है ये उनके सहयोगी यूज करते थे। और ये ढाल जो है ये सुरेंद्र साय जी के है, ये जो पहला वाला सर। अच्छा। और ये गन जो है उनका एक प्रमुख साथी थे जो हाथी सिंह है, ये बहुत भारी है। अच्छा सर। वो यूज करते थे। ये लकड़ी का बना हुआ है कि क्या? लोहे का। लोहे का है। अच्छा। ये ऊपर सिर्फ लकड़ी लगा हुआ, नहीं तो ये लोहे का है पूरा। और ये सुरेंद्र साय जी का था सर। अच्छा। सर हम उनके गांव गए थे खिंडा, तो वहाँ पर एक भाई से हमारी मुलाकात हुई जो कि उनके वंशज है, तो वो बोले कि जो जितने भी हथियार थे वहाँ का म्यूजियम का सब यहाँ पे शिफ्ट किए थे। अच्छा अच्छा। तो सब यहाँ रखा हुआ है प्रिजर्वेशन में। हाँ, अच्छा तरह हम रखे हैं इसको। अच्छा। वो खुद भी यूज करते थे ये सब जो रखा हुआ। ये धनुष से सर? धनुष से। अच्छा। ये जितना भी ये सब धनुष से? धनुष से, इस तीन धनुष से। सर ये भी एक तो गन है ना? ये भी गन, ये भी बहुत भारी है, लोहे का है। लोहे का है। हाँ। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं यहाँ से, देवरीगढ़ पे एक गुफा है जहाँ से कि वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसको बहुत साल पहले। वहाँ पर जो संबलपुर का राजा थे वो भी जाना आना करते थे, उसके साथ साथ जो वीर सुरेंद्र साय थे वो भी जाना आना करते थे। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा देखेंगे कैसा क्या है। देखिए यहाँ पे माँ झंकरानी देवी के एक मंदिर है और माँ झंकरानी देवी को यहाँ पे पूजा जाता है। इसके जो राइट साइड आप जो देख रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली गुफा है, हमें वहाँ से होकर के जाना था लेकिन वहाँ पर अभी गेट बंद है, गेट दे चुके हैं वहाँ पे। आप देखिए पहले वहाँ से रास्ता खुलता था, वहाँ से लोग आते थे, तो अभी वहाँ पर गेट दे चुके हैं, बंद हो चुका है वो वाला रास्ता। और ये जो रास्ता हम जहाँ से जा रहे हैं ये भी एक रास्ता था, ये भी अभी बंद हो चुका है, तो फिलहाल हम इसको जंप करके जा रहे हैं।
गुफा के सामने में पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये पूरा एक पहाड़ है, पहाड़ को कैसे नकाशा गया है और बहुत ही बारीकी से इसको, मतलब इस तरह से किया गया है इसको कि अभी तो रास्ता बंद हो गया है लगभग, लेकिन ये आप इसका जो वाइडनेस देखिए गुफा का कितना वाइड है ये, मतलब इस तरह से इसको किया गया है कि कोई एक आदमी जैसे कि घोड़े के साथ यहाँ से निकल सके। और यही वो गुफा है। चलिए हम अभी थोड़ा अंदर चलते हैं। ये तो आधा दूर में ही बंद हो गया है कहीं पे, लेकिन ये अभी हम इसको बस इतना ही बोल सकते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे थे और इतनी बढ़िया चीज़ आज भी मतलब संरक्षित होके यहाँ पे सालों साल ये सब जितनी भी फ्रीडम फाइटिंग हुई, जितनी भी लड़ाई हुई उनकी साक्षी बनते आई है। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब देखने में बहुत ही रोमांचक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही एंजॉय करेंगे। बाकी थोड़ा खतरनाक भी है और देखने में तो डर भी लग रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली आना, बहुत मायनों में अगर देखा जाएगा तो थोड़ा अनसेफ भी है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर कोई नहीं आता है। और आप देखिए पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और भी थोड़ा दूर है गुफा, लेकिन हम लास्ट पॉइंट तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत डरावनी जगह है और थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हाँ हालांकि यहाँ पर कोई वन्य जीव जंतु नहीं है अभी, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जो हम लोगों से पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो वन्य जीव जंतु भी है वो भी जाना आना करते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। गुफा देखिए बहुत ही बड़ा गुफा है और इसका जो ढांचा है ये इस तरह से इसको वाइड किया गया है कि कोई एक आदमी या फिर एक ग्रुप के आदमी घोड़े के साथ यहाँ से जैसे गुजर सके, उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है गुफा की, ये बहुत ही मतलब बड़ा है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि गुफा तो हम देख लिए, बहुत ही बढ़िया गुफा है और बहुत ही डरावनी भी है। तो चलिए हम यहाँ से पहले निकलते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। अगर विजिट करते हैं तो आराम से आप विजिट कर सकते हैं। एक ऐतिहासिक जगह है और वैसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, हाँ लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप हीराकुड डैम घूमने के लिए आ रहे हैं तो हीराकुड डैम उसके साथ साथ इसके ऊपर, ये पहाड़ के ऊपर जो है वो जवाहर मीनार है। तो ये जो जवाहर मीनार जो हम घूमे थे पिछला वीडियो में हम आपको दिखाए थे जवाहर मीनार, तो वो जो मीनार हम घूमे थे वो जिस पहाड़ी के ऊपर है वो पहाड़ी के नीचे ही ये वाला गुफा है।
तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और एडवेंचर के आप अगर शौकीन है तो यहाँ पे आप आके जरूर घूमना चाहिए। एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग फील आता है। तो यहाँ पे अभी ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।